दोस्तों नमस्ते। आज हम बीयर सेकेंड ईयर नाइन्थ पेपर से अपराधी बालकों की रोकथाम, उपचार व उपचार की विधि को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं अपराधी बालकों की उपचार। इसके अंतर्गत परिवार, समाज तथा विद्यालय के कार्य को देखेंगे। परिवार, समाज और विद्यालय ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे बालक जो है अपराध करने से बच जाए। सबसे पहले परिवार को देखते हैं। बालक अपराधी प्रवृत्ति का नहीं हो इसके लिए परिवार का वातावरण उत्तम होना आवश्यक है। छोटा परिवार होना चाहिए। बालकों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। बालकों के अध्ययन की व्यवस्था, दैनिक व्यय की पूर्ति, निर्देशन, निरीक्षण होता रहे। बालकों के अच्छी आदतों के निर्माण के साथ आत्मनिर्भरता का विकास करना आवश्यक है। समाज के कार्य। जो बालक निर्धन है उसको आर्थिक सहायता दिया जाए, साथ ही गंदी बस्तियों की समाप्ति और सुधार करना, अनैतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाना, बालकों को राजनीति से अलग रखना, सामूहिक संघों का निर्माण, फिल्मों पर नियंत्रण करना समाज का कर्तव्य होना चाहिए। इससे बालक जो है शुरू से ही अपराध के तरफ संलग्न नहीं होंगे और अपराध करने से बच जाएंगे। विद्यालय के कार्य। विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय हो, स्कूल का वातावरण स्वस्थ हो, बालकों को जो है स्वतंत्रता देनी चाहिए, नागरिकता की शिक्षा दी जाए, शिक्षक योग्य हो, रुचि के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था हो, अनुत्तीर्ण होने की समस्या का समाधान, उपचारात्मक व व्यवसायिक कक्षाएं, गोष्ठियों की स्थापना, सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास करना। विद्यालय जो है ये कार्य करे तो अपराधी प्रवृत्ति के बालक नहीं पनप पाएंगे। इस प्रकार परिवार, समाज, विद्यालय यदि सही दिशा में कार्य करेंगे तो बाल अपराध की समस्या से निजात पाना आसान होगा। ये था बालक में अपराधी प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न हो इसके लिए। लेकिन अगर बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति का हो जाए तो क्या करना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के अपराधी बालक की जो है पहचान करके उसके उपचार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और इसमें उपचार विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अपराधी बालकों की उपचार विधि को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक विधियां और वैज्ञानिक विधियां, इन दो विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि को देखेंगे। इसके अंतर्गत वातावरणात्मक विधि। वातावरणात्मक विधि जो है पहले बालक के वातावरण के बारे में पता लगाया जाता है और वातावरण के उन बुरे तत्वों को दूर करने का जो है प्रयत्न किया जाता है जो बालक के अपराधी बनने में सहायता करते हैं। परिवार की स्थिति को सुधारना, माता पिता को शिक्षित करना, विद्यालय में उचित व्यवस्था जो है किया जाता है। और निर्देशात्मक विधि। और निर्देशात्मक विधि के प्रयोग करके अपराधी में स्वयं अपनी समस्या को हल करने की शक्ति निहित होता है। अपराधी अपनी गलती अनुभव करने लगता है। इस विधि के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मनोनाटक विधि। इसमें चिकित्सक अपराधी बालक के अपराध को जानकर एक नाटक की रचना करता है। इसमें दो पात्र होते हैं, गौण अंग तथा प्राथमिक अंग। अपराधी बालक के अपराध तथा संवेगों से संबंधित घटनाओं को जो है प्रतिबिंबित करता है। यह नाटक अपराधी बालक के सामने खेला जाता है। बालक नाटक देखकर अनुभव करता है कि अपराध करने से उसे कितनी हानि होती है। इससे वह अपने में जो है सुधार लाने का प्रयत्न करता है। क्रीड़ा विधि। खेल के द्वारा बालक की संपूर्ण शक्ति को जो है रचनात्मक कार्य में लगाया जाता है। इससे बालक को जो है मानसिक संतुष्टि मिलती है और फिर वह अपना ध्यान अपराध की ओर नहीं लगा पाता। उंगली चित्रण विधि। बालक उंगली की सहायता से चित्रण करता है। इसके द्वारा संवेगात्मक तनावों से बाहर निकलने का जो है अवसर दिया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस विधि को फ्रायड ने दी थी। इसमें अचेतन मन में स्थिति इच्छाओं को जो है पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है दो विधि है, शब्द साहचार्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। शब्द साहचार्य विधि में अपराधी बालक को कोई शब्द दिए जाते हैं। इन शब्दों को
सुनकर बालक के मस्तिष्क में जो बातें आती है उन्हें वह बताता है। उन्हीं के आधार पर मनोविश्लेषणवादी उनका जो है विश्लेषण करके बालक की जो है अपराध प्रवृत्ति का कारण मानता है, उन कारणों को दूर करने का जो है प्रयास करता है, इससे बालक में सुधार किया जाता है। स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि में स्वप्नों के बारे में पूछा जाता है, इसी के आधार पर विश्लेषण करके बालक में जो है सुधार लाने का प्रयत्न किया जाता है। वैज्ञानिक विधियाँ, इसके अंतर्गत परीक्षण विधि, सुधार स्कूल, बंदीगृह, किशोर न्यायालय के द्वारा बालक को उपचार किया जाता है। प्रशिक्षण विधि, यह विधि अमेरिका से प्रारंभ हुई। इस विधि में जो है पहली बार अपराध करने वाले बालकों को जो है प्रशिक्षण अधिकारी के अधीन रखा जाता है। वह अपराधी बालक को चेतावनी या दंड का भय दिखाकर जो है सुधार का प्रयत्न करता है। सुधार स्कूल, सुधार स्कूल में अपराधी बालकों को नैतिक चरित्र, मानसिक, शारीरिक, व्यवसाय संबंधी तथा आत्मविश्लेषण के विकास पर जो है बल दिया जाता है और उसका जो है सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे बालक जो है अपराध से दूर हो सके। बंदी गृह, अपराधी बालक को बाल बंदी गृह में रखा जाता है। किशोर न्यायालय के द्वारा बालक को सुधार गृह में भी भेजा जाता है। जब बालक को बंदी गृह में रखा जाता है तब बालक सामान्य और औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसको समाप्त करके बाद में नगर के किसी विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है बालक जा सकता है। तो ये था अपराधी बालक का उपचार विधि के द्वारा सुधार करना। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।